हेलो क्यूटी, सबसे पहले हम फेस वॉश करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे मेरा फेवरेट सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप में सूट करता है। कंसीलर फॉर अंडर आई एंड जो भी आपके स्किन में पिगमेंटेशंस या फिर डार्क स्पॉट्स हैं उससे हम ये कंसीलर हाइड कर देगा। कंसीलर को भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, इसके लिए भी एक अलग ब्रश आता है। अब फाउंडेशन लगाने की बारी है, तो फाउंडेशन को पहले आप हाथ में लेंगे, देन ब्रश फ्लैट ब्रश से उसको अप्लाई करेंगे। अब मैं भूत बन गई, पर कोई नहीं, फाउंडेशन ब्लेंड करके मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। अब है कॉन्टोरिंग टाइम। सो कॉन्टोरिंग से हम अपने फेस को स्लिम दिखाते हैं। एंड अब हमारे ब्लशर की बारी है, जिसको लगाते ही आप सब मुझ पे मरने लगेंगे। अब चीक्स को थोड़ा पिंक भी दिखाना ज़रूरी होता है। मेकअप बेक करते टाइम बस एक ही बात सोचिए कि फाइनली हमारा मेकअप अच्छा ही होगा। नाउ माई आईब्राउज। आई मेकअप मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, बट बहुत जल्दी आपके लिए आई मेकअप की फुल वीडियो अपलोड करूँगी। अब है टाइम लूज पाउडर को डस्ट ऑफ करने का। इस टाइम पे मैं थोड़ा इतराते हुए डस्ट ऑफ करने लगी, कोई नहीं इग्नोर। एंड मुझे लगा कि शायद थोड़ा ब्लशर कम है, तो मैंने यहाँ पे ब्लशर थोड़ा और एड ऑन किया। थोड़ा सा आई शेडो लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ रह गया था। लाइनर कैमरे में देखते हुए लगाना, ये तो बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। ठीक है, मैं लगा के आती हूँ। अब थोड़ा मस्कारा, क्योंकि मुझे फेक लैशेस लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप पार्टी में जा रहे हो तो दूर से आते हुए भी तो दिखना बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा हाइलाइटर, अब थोड़ा पूछने का नाटक कि कौन सी लिपस्टिक लगाऊं। मैंने तो पहले से डिसाइड कर रखा था। अब थोड़ा लिपस्टिक को ड्राई होने दें। नाउ अब लास्ट में मेकअप सेटिंग स्प्रे, क्योंकि पार्टी में लास्ट तक आप ही को तो शाइन करना है। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। एंड आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा जब आप पार्टीज में जाएँ। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।